आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में कल योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कल शाम को राजभवन में योगी सरकार अपना कैबिनेट विस्तार कर सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार दो दिनों पहले ही होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि कल योगी कैबिनेट में विस्तार होगा, फिर बदल होगा। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण कैबिनेट विस्तार को दो दिन पहले रोक दिया गया था, जिसके बाद अब कल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है, संभव है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई नेताओं के कैबिनेट मंत्री बनने की भी संभावना जताई जा रही है और जिसकी सूची इस प्रकार हो सकती है। आपको बताते हैं, एमएलसी अशोक कटारिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एमएलसी विद्यासागर सोनकर को और विजय बहादुर पाठक के भी कैबिनेट मंत्री बनने की संभावना है। एमएलसी के अलावा कुछ विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है और उनमें फतेहपुर सीकरी से विधायक उदयभान सिंह का नाम शामिल है, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल है, बुलंदशहर से अनिल शर्मा के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और गौतम बुद्ध नगर से विधायक पंकज सिंह को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पंकज सिंह के साथ साथ अलीगढ़ के संजीव राजा और कानपुर की नीलिमा कटारिया भी इसमें शामिल हो सकती है। रायबरेली से दल बहादुर कोरी, चित्रकूट से चंद्रिका उपाध्याय और अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पति और एमएलसी आशीष पटेल भी योगी मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकते हैं। ये वो संभावित नाम है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। उदयभान सिंह का नाम जो इस चर्चा में सबसे आगे है, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा के भी नाम इसमें शामिल है और आशीष पटेल भी हैं एमएलसी योगी मंत्रिमंडल का चेहरा, ये भी हो सकते हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे, गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ते रहे हैं और दल बहादुर कोरी, चंद्रिका उपाध्याय, आशीष पटेल, ये वो संभावित नाम है जो चर्चा में शुमार है, शामिल है। इन नामों पर कल मुहर लगेगी या नहीं, ये सबके सामने होगा, स्पष्ट होगा। लेकिन कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वही चेहरे होंगे एमएलसी हो जो अभी तक हैं, जिनके नाम इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये वो संभावित नाम है जिन्हें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पंकज सिंह, संजीव राजा, नीलिमा कटारिया, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो इस रेस में शामिल है। यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा कल। दरअसल दो दिन पहले ही यह खबर आई थी कि विस्तार होना है, लेकिन तब अरुण जेटली की तबीयत एकाएक ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन किया गया था। और अब एक बार फिर यूपी कैबिनेट में विस्तार संभव, यूपी कैबिनेट का विस्तार कल होगा, ये वो संभावित नाम है जिनके इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। नाम के साथ उदयभान सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो संभावित हैं। पंकज सिंह, संजीव राजा, नीलिमा कटारिया का नाम भी इस रेस में शामिल है जो कल मंत्री बन सकते हैं। विजय बहादुर पाठक भी एक दमदार चेहरा और नाम जो कल मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो तीन चार नाम ऐसे सामने हैं जो इस लिस्ट में सबसे शुमार पर हैं। और अब कैबिनेट विस्तार से पहले राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी ने की। इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें किशोर न्याय निगम 2019 पर मुहर लगी है और इसके साथ ही यहां भूगर्भ जल विभाग समूह के कई खाली पड़े पदों पर भी भर्ती का निर्णय लिया गया है और साथ ही विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क परियोजना को रोड सेफ्टी घटक लगाए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा भी बात करें, कुशीनगर हवाई अड्डे को स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की लागत भी कैबिनेट मीटिंग में बढ़ा दी गई है। करीब अब इसकी लागत जो है 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, इसमें 5,876 रुपए कर दी गई है। तो कल मंत्रिमंडल का एक्सप्रेस वे परियोजना के 6 पैकेजों को इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए तैयार किए गए RFQ कम RFP अभिलेख पर अनुमोदन है। एक नियम 10 के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, उसका कारण मुख्य यही था कि पहले जो स्टाफ नर्स जो मेल होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके साथ एक साइकेट्रिक्स का भी डिप्लोमा का लगता था, वो बाद में 2012-13 में हटा दिया गया था। जब हटा दिया गया तो उसकी रिट चली गई और मेल जो है स्टाफ नर्स, हम लोग उसमें रखने में हम लोग कठिनाई हो रही थी क्योंकि रिट थी हाईकोर्ट में। तो उसको देखते हुए जो पुरानी एक व्यवस्था थी जिसके अंदर
साइकेट्रिस्ट जो है उसका भी डिप्लोमा होना आवश्यक है, उसको हम लोग ने जोड़ दिया है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज की इस मीटिंग में और क्या कुछ खास बातें रही? देखिए, ये बैठक तकरीबन 11 बजे लोकभवन में शुरू हुई थी और तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, और उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो सरकार के जो प्रवक्ता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी। साफ तौर पर कहा कि 18 प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुए हैं, और हम कहते हैं चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, लघु सिंचाई से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव थे वो आज कैबिनेट ने पास किए। और सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, जो लखनऊ में अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ के जो स्टाफ है उनको समान भत्ते दिए जाएंगे, जो SGPGI में डॉक्टरों को वहाँ के स्टाफ को मिलते हैं वो भत्ते दिए जाएंगे, एक अच्छी खबर है उनके लिए। साथ ही साथ जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी विभाग हैं वहाँ जितने दिव्यांग कर्मचारी हैं उन्हें वाहन भत्ता दिया जाएगा, तो एक अच्छा फैसला है सरकार का। कोशिश है कि जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं ऐसे लोगों को, उन्हें कम से कम अगर वो वाहन भत्ता देंगे तो उनके लिए मदद होगी। साथ ही साथ लखनऊ में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक बॉटनिकल गार्डन बनने का प्रस्ताव पहले कहा जा रहा था कि लाया जाएगा, आज वो आया। साथ ही साथ उसके अलावा वहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा जहां पर 300 जो गर्ल्स हैं वो रह सकें, उसके भी बजट को आज अनुमोदित कर दिया है कैबिनेट में। कई अहम प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।